इवनिंग. नहीं आवाज ही नहीं आ रही है. सब लोग पहले बैठ जाइए. एवरीवन पीछे बहुत लोग मुझे फूड काउंटर पे दिख रहे हैं. जल्दी से आके अपनी अपनी जगह में बैठ जाइए. दिस शो इज गोइंग टू बी हाउसफुल. और बाद में आपको सीट नहीं मिली तो फिर कंप्लेन मत करना. जल्दी. सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट एवरीबॉडी ऑन देयर चेयर्स. कम ऑन. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी गुड इवनिंग. और आप सभी का मंत्री फैमिली गोयल फैमिली की तरफ से मैं मयूरी तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज की संगीत संध्या में. तो मुझे बताइए कल से मंत्री क्या खा के आए हो? हाँ, कुछ खाया नहीं है. ऐसी एनर्जी. अच्छा सुबह से. अरे वाह क्या बात है. ऑल सेट फॉर द संगीत नाइट एवरीवन. यस, धूम मचाने के लिए और रंग जमाने के लिए सब रेडी है. हाँ तो बोलिए. हाँ तो बोलिए. वेरी गुड. चलिए तो शुरुआत करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, अर्ज किया है. अरे वाह तो बोलिए. अर्ज किया के बाद वाह बोलते हैं. अर्ज किया है हर शख्स को. अरे रुकिए तो लाइन तो कंप्लीट करने दीजिए. हर शख्स को दीवाना बना देता है ये इश्क. हर शख्स को दीवाना बना देता है ये इश्क. और जन्नत की सैर भी करा देता है ये इश्क. क्या बात है. सिर्फ लड़कियां ही वाह वाह करिए. हर शख्स को दीवाना बना देता है ये इश्क. और जन्नत की सैर भी करा देता है ये इश्क. अगर दिल के मरीज हो, अगर दिल के मरीज हो तो आप भी कर लो मोहब्बत. क्योंकि हर दिल को धड़कना सिखा देता है ये इश्क. अच्छा लगा तो ताली बजाओ. कम ऑन. और हमारे जो पीयूष जी हैं वो ऑलरेडी इश्क में डूब गए हैं, खूबसूरती में डूब गए हैं रुचि जी के लिए. इस शाम हम बहुत धमाल मजा मस्ती करने वाले हैं. आर यू गाइस सेट? आर यू गाइस रेडी? सुपर्ब. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हर शुभ काम की शुरुआत हम करते हैं गणेश वंदना से. जी राइट. यस, उसके पहले आप मुझे मेरा नाम बताइए. व्हाट्स माय नेम? सुपर्ब. आपको मेरी तरफ से एक चॉकलेट मिलेगी बाद में. उसने उसको याद है मेरा नाम? क्या बात है. आपकी फ्रेंड है क्या स्कूल में कोई मयूरी? नहीं. अच्छा ठीक है. So ladies and gentlemen, let's begin this beautiful evening with the Ganesh Vandana. Put your hands together for both the sister of our bride and groom, Payal and Aditi. Zordar taali ho jaye dono ke liye. Come on. All right, ladies and gentlemen, how was the performance? Opening performance? Good. Acha tha na? Nice. Very peaceful. अभी हम बढ़ेंगे आगे. अब बारी है हमारे बच्चों की. यू नो फैमिली में जब कोई फंक्शन होता है सबसे एक्साइटेड तो हमारे बच्चे ही होते हैं. बिकॉज दे गेट टू शो. Yes, am I right, Adya? Yes. Put your hands together for our next performer, जो पायल जी की बेटी है. आद्या के लिए जोरदार ताली हो जाए. Come on. And she is looking so cute, man. Come, 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 fast. देखा हमारे मुंबई वालों का जलवा. अच्छा लगा तो तालियां बजाइए जी जोरदार. कम ऑन. ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आपके सामने आने वाले हैं गोयल फैमिली के सुपरस्टार रॉकस्टार. जो आपको बोलना है वो बोल सकते हो. मैंने ऐसे सुना है कि अगली शादी इनकी होने वाली है. एम आई राइट? नहीं नहीं नहीं, कभी भी सहरा चढ़ सकता है सर पे और ये घोड़ी चढ़ सकते हैं कभी भी. Ladies and gentlemen, put your hands together for the handsome brother of our bride, Mayank. Round of applause for him. Come on. Mayank ji, before you start your performance, मैंने जो सुना वो सही है क्या? मैंने सुना वो मैंने बोल भी दिया. Is it? No. Not at all? Not at all, are you sure? But मैंने तो सुना था कि अभी तक आपका डिसाइड नहीं हो रहा है कि वो 10 में से किससे शादी करनी है आपको. वो कभी तक कभी डिसाइड होगा भी नहीं. अच्छा कोई बात नहीं. यहाँ पर एक ऑलरेडी सिंगल है, ये एलिजिबल बैचलर भी है. सो लेट्स डिसाइड आफ्टर द परफॉर्मेंस. लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिस हैंडसम गाय. कम ऑन, तालियां तालियां. होपफुली नॉट. अच्छा आप कितने साल के हो? आप खुद को छोटा समझ रहे हो? आप छोटे ही हो. नहीं हो. 22 years old है ये लगता है. क्या ये लगता है 22 years old है? No, he's lying, right? क्या 26?
अच्छा ऑलरेडी सेट है इसलिए ही डजंट वांट टू टेक एनी चांस. झूठ बोल रहे हैं झूठ. देखो आपकी पोल खोल रहे हैं सबके सामने. नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं करते. आपकी भी बारी आने वाली है. आप आओगे ना स्टेज पे. थैंक यू सो मच मैम फॉर द लवली परफॉर्मेंस. अच्छा बिफोर यू गो डाउन वुड यू लाइक टू से समथिंग टू योर सिस्टर. बिल्कुल नहीं ना. पेट भर गया ना इतना वाइफ के साथ नाच के. यू नो क्या बात है. सो स्वीट. थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस एंड लेडीज एंड जेंटलमैन. अरे चाचा के साथ जाइए ना. उधर से क्यों जा रहे हो आप. अदाएं तो देखिए इनकी. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन अब मैं स्टेज पर बुलाने वाली हूँ हमारे मंत्री जी के. खास है ये बहुत. और ये नाचते भी है ये गाते भी है और इसके साथ साथ वो लोगों को दवाइयां भी देते हैं ऐसे मैंने सुना है. डॉक्टर जी की अदाओं पर अभी भी बहुत सारी लोग मरते हैं. बहुत सारी लड़कियां अभी भी मरती है. और ये बहुत ही अलग यू नो कॉस्ट्यूम में आज यहाँ पर आए हैं. संगीत के कॉस्ट्यूम में बिल्कुल नहीं है. लेट्स सी ये क्या धमाल मचाने वाले हैं स्टेज पर. जोरदार तालियों से हम डॉक्टर श्याम गिल्डा जी का स्वागत करेंगे. श्याम जी क्या बात है. ये आपका अटायर देख के मुझे लगने वाला है कि मुझे लग रहा है आप कहीं हॉकी वॉकी खेलने जा रहे हो ना. फुटबॉल हॉकी नहीं क्या कर, क्या खेलने क्या वाले हो और किसके दिल के साथ खेलने वाले हो. किसी के नहीं. किसी के नहीं. मेरी बीवी जो सामने बैठी है. कहाँ है बीवी जी. क्या बात है क्या बात है. अच्छा मैंने सुना आप बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन मैनेजर हो. हाँ इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है. बच्चे कहाँ हैं इनके. हाँ एक ही है. मेरा प्रोडक्शन एक ही है और वो सुपर डुपर है. अरे क्या बात है. लुक एट द कॉन्फिडेंस. अभी प्रोडक्शन देख ली अपना. मैनेजर क्या धूम मचाता है स्टेज पर. डॉक्टर साहब ऑल द वेरी बेस्ट. बताइए. नहीं मालूम है. बीवी हमेशा आगे होती है ये हमेशा की स्टोरी है. लेकिन आगे होने का उनका कुछ तो फायदा होना चाहिए. मुझे बताइए आप सब लोग एक ही घर से निकले रेडी होके. मतलब एक ही कमरे से निकले. देखा अपनी वाइफ को रेडी होते हुए. क्या देखा आपने पति देव को देखा रेडी होते हुए. नहीं देखा. अलग अलग. अरे 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 मुझे बताइए इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ आपने और ये जो भी आपने पहना है वो बहुत प्यारा लग रहा है. मुझे बताइए अभी आपके पति के जेब में कितने रुपए होंगे. शायद जेब ही नहीं है. अंकल को जेब ही नहीं है. पूरा लूट लिया है अंकल. बोले अभी मैं खाली हो गया हूँ मेरे को जेब चाहिए भी नहीं. आप बताइए जी. इनको तो जेब होगी. है दिख रही है. अंदाजा 15,000. मेरा आधा पेमेंट इधर से ही आने वाला है. आप बताइए जी. 20. पूरा आपसे ले लेती हूँ डोंट वरी. इन्हें तो जेब ही नहीं है. अच्छा चलो अंकल आप आगे आ जाइए. आप सब पीछे चले जाइए. सर जी आप मुझे बताइए अभी तो आप बोल रहे हो कि अलग अलग रूम से रेडी होके निकले हैं लेकिन एक अंदाज लगा दो. मुझे बताइए आपकी बीवी इतनी खूबसूरत जो रेडी हुई है उन्होंने पैरों में कौन से कलर के चप्पल्स पहने हैं. गोल्डन. अच्छा ठीक है गोल्डन तो ठीक है साड़ी से मैचिंग होगी लेकिन कुछ कला है उस पर कुछ किया है उसके ऊपर. डिटेल्स नहीं मालूम है इनको. इन्होंने देखी नहीं है चप्पल ज्यादा ऐसे लग रहे हैं. आप बताइए सर. चप्पल तो मैं देखता ही नहीं हूं. सर ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपको देखना है कि नहीं. वो दिखाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कितनी बार दिखाते हैं आपको. जी एम आई राइट मैम. नहीं ना बिल्कुल नहीं. नहीं 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 ऐसे कुछ नहीं. आप बताइए सर. खड़ी की गोल्डन चप्पल है. खड़ी की गोल्डन. खड़ी क्या होता है. खाने वाली. अच्छा स्टोन्स. ओके स्टोन्स है उसपे. ओके और कुछ है डिजाइन एकदम स्ट्रैप सर. कुछ है स्ट्रैप तो रहती ना. जरा दिखा दीजिए आपकी चप्पल दिखा दीजिए. हाय हाय इन्होंने खरीद के दी क्या स्टोन वाली चप्पल. सब ये आप ही. अरे वो तो 20,000 आज जाते जाते उड़ जाएंगे ऐसे लग रहा है मुझे. क्या बात है. थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल परफॉर्मेंस. यू गाइस आर लवली.